दोस्तों मेरे पीछे आप देख सकते हो 220 साल पुराना ऐतिहासिक लाइब्रेरी है दोस्तों, जहाँ जहाँ पे बहुत सारे फिल्मों का शूटिंग होता है। अभी देखो 220 साल पुराना, यानी कि देश आजाद भी नहीं हुआ था उससे भी पहले का ये अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ दोस्तों बहुत ही ऐतिहासिक यहाँ पे लाइब्रेरी, तो मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा लाइब्रेरी है। कैसे दोस्तों, स्वागत है नए वीडियो के साथ में। और आज के इस वीडियो में दोस्तों, आज हम आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं मुंबई का मोस्ट पॉपुलर लाइब्रेरी, जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है दोस्तों। आज मैं आपको मुंबई का नजारा भी दिखाता हूँ साथ में। ये देख सकते हैं यहाँ पे कार पार्किंग का एरिया है, और यहाँ का नजारा आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अलग नजारा आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। ये मुंबई के मोस्ट एक्सपेंसिव एरिया, जो प्रॉपर जो मुंबई है राजधानी है वो है। यहाँ पे देख सकते हैं सेंट्रल बैंक का ये सामने जो दे रहा है, ये सेंट्रल बैंक है। और यहाँ गली से बस जा रहा है दोस्तों, ये देख सकते हैं ये वकील लोग है। यहाँ पे हाईकोर्ट भी है दोस्तों, वो सारी चीजें इस वीडियो में हम आपको दिखाते हुए चलते हैं दोस्तों। मुंबई का जो खूबसूरत एरिया है ना, वो मैं आज आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं ये प्यारा प्यारा सा गली दोस्तों। और यहाँ पे मैं अभी एसी बस में बैठा हुआ, और यहाँ पे देख सकते हैं कांच से मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा वीडियो क्लियर नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। मुंबई की खूबसूरत जगह, खूबसूरती मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे चिड़िया के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं घरा जो होता है मटका, उसके आकार में यहाँ पे चिड़िया के घोंसला बनाया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं आपको करीब से दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे कबूतर लोग उसके अंदर बैठे रहते हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं बीच चौराहे के ऊपर इसको बनाया गया, ये भी बहुत ही आकर्षक यहाँ पे दिखने को मिलता है दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं लाइब्रेरी के पास दोस्तों। ये देख सकते हो व्हाइट कलर का बहुत ही खूबसूरत ये लाइब्रेरी है दोस्तों। ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूं दोस्तों, ये 1804 ईस्वी में बना है। 1804 ईस्वी आप समझ सकते हो दोस्तों, 1804, 1904, 2004 और अभी 2023 चल रहा है, यानी 24 आने वाले समझ, तो 220 साल हो गया दोस्तों इस लाइब्रेरी का। और यहाँ पे बहुत सारे फिल्मों का शूटिंग होता है दोस्तों, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये जो सीढ़ी आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे तेजाब फिल्म का शूटिंग हुआ था, जिसमें अनिल कपूर सर का जो गाना था 1 2 3, वो इसी सीढ़ी के ऊपर दर्शाया गया था दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत। और बाजू में ये देखिए ये गार्डन है, यहां भी बहुत सारे फिल्मों का शूटिंग आपको देखने को मिलेगा संडे सैटरडे को, खासकर रात के टाइम यहां पे शूटिंग ज्यादा होता है दोस्तों, यहां पे परमिशन लिया जाता है और वीडियो शूट करने के लिए दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत ये ऐतिहासिक ये लाइब्रेरी है दोस्तों। चलिए मैं आपको करीब चल के दिखाता हूं दोस्तों। हम अभी इस तरफ से आए, सामने देखिए गाड़ी आ रहा है, उधर से हमने सीएसटी रेलवे स्टेशन से आए दोस्तों, और इस तरफ हम जाने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये जो आपको बिल्डिंग दिख रहा है सामने, यहाँ भी उस सॉन्ग का, अनिल कपूर सर के जो सॉन्ग था उसका, यहाँ पे भी एक स्क्रीनशॉट मैं आपको लगाता हूँ। यहाँ से भी एक दो मंजिला बस आता है, देख सकते हैं यहाँ पे वो सीन को शूट किया गया दोस्तों। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ और लाइब्रेरी के अंदर चल के मैं दिखाता हूँ दोस्तों, ऊपर चल के मैं दिखाता हूँ। तो फाइनली दोस्तों हम लोग ऊपर आ गया, ऊपर से यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कितना खूबसूरत नजारा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये गाड़ी जो चल रहा है ना, और यहाँ का लोकेशन भी आपको बहुत ही अलग देखने को मिलेगा दोस्तों। यहाँ मुंबई में ना आपको सबसे अलग नजारा आपको देखने को मिलेगा। अब मैं अभी देख सकते हैं लाइब्रेरी के ऊपर आ गया दोस्तों, सीढ़ी से चढ़ के ऊपर आ गया, और देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ी ये लोग जा रहे हैं, यहीं पर उस गाना का जो शूटिंग किया गया था, और यहाँ पे गजनी फिल्म जो था आमिर खान सर का, उसका भी फिल्म का शूटिंग यहाँ पे हुआ है दोस्तों। ये जो देख रहे हो ये वाला जो गली आपको जो सामने जो बिल्डिंग दिख रहा है, ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे इस जगह पे सिंगम फिल्म का भी शूटिंग हुआ है, साथ में रनवे फिल्म का भी शूटिंग हुआ है दोस्तों, और साथ में अक्षय कुमार सर का जो गब्बर फिल्म है उसका भी कुछ सीन को यहाँ पर शूट किया गया, बहुत सारे फिल्मों को शूटिंग हुआ है दोस्तों। और मैं आपको दिखाता हूँ ये जो गार्डन है, आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, इस गार्डन में भी बहुत सारे सीरियल का दोस्तों और बहुत सारे पिक्चर का यहाँ पे शूटिंग होती रहती है दोस्तों। ये है ना, खास करके ये जो इलाका, ये जो एरिया है, ये बहुत ही पॉपुलर है दोस्तों। यहाँ पे बड़े बड़े सुपर स्टार लोग का फिल्म मूवीज रिलीज होता है दोस्तों। मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे गजनी फिल्म का जो शूटिंग हुआ था ना, वो भी मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लगाता दोस्तों। और यहाँ पे भाई फिल्म जो है सुनील शेट्टी सर का, उसके भी कुछ सीन को यहाँ पे शूट किया गया है। तो ये जो लाइब्रेरी है ना दोस्तों, ये देख सकते दोस्तों, ये 1804 ईस्वी में बनाया है दोस्तों। अंग्रेजों ने इसको बनाया था जब अपना देश आजाद भी नहीं होता, उस टाइम के बनाया हुआ ये। अब बहुत ही ज्यादा खूबसूरत ये, अब बहुत ही पॉपुलर है दोस्तों, ये कपल्स लोग के लिए ये बहुत ही ज्यादा फेमस है दोस्तों। यहाँ पे ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके, ये देखो आप। और यहाँ पे हमेशा देखेंगे, मतलब जो भी यहाँ से गुजरता है कपल्स लोग के लिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ये देख सकते हो सामने वहाँ पे बैठा हुआ भी, ऐसे देख सकते हो उधर भी बैठा हुआ है,
तो यहाँ ये बहुत ही ज़्यादा फेमस और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर जगह है मुंबई का। यहाँ पे बहुत सारे फिल्मों का, सीरियल्स का यहाँ पे शूटिंग होते रहता है। वो सारी चीज़ें आपको संडे को, संडे नाइट को आएंगे ना रात के टाइम, वहाँ पे बहुत सारे फिल्मों का आपको शूटिंग देखने को मिलेगा दोस्तों। और भी चीज़ें, सारी चीज़ मैं दिखाता हूँ। यहाँ देख सकते हो दोस्तों, बाजू में आपको इंडियन नेवी का भी यहाँ पे देख सकते हो, जो मैन उनका ऑफिस है, हेडक्वार्टर जिसको बोलते हैं, देख सकते चीता गेट। गेट का नाम कितना डेंजर है, चीता गेट दोस्तों। और ये देख सकते लेफ्ट साइड में ही आपको, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ देख सकते हैं नींबू पानी बेच रहा है। और यहाँ बाजू में देख सकते हैं दोस्तों, ये है मजिस्ट्रेट ऑफिस। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए मजिस्ट्रेट ऑफिस है दोस्तों, ये मुंबई का। तो यहाँ पे बहुत ही पॉपुलर इलाका है ये मुंबई का, कोलाबा में दोस्तों। यहाँ में जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये प्रॉपर राजधानी है, ये महाराष्ट्र का राजधानी मुंबई है दोस्तों, जो मोस्ट एक्सपेंसिव दोस्तों। और यहाँ आने के बाद आपको लगेगा हाँ मैं मुंबई में आया हूँ दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा दोस्तों।